फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस वीडियो में एमपी पटवारी परीक्षा 2023 26 मार्च की फर्स्ट चैप्टर के एकदम रियल क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपको बता दें इस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन हो रहा है उनकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी जाएगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स, चलिए आपको बता दें जिन लोगों का आने वाले चैप्टर में एग्जाम है वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें क्वेश्चन, जिससे आने वाले चैप्टर में एनालिसिस कर सकूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं। आज जिन लोगों ने क्वेश्चन बताए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, जैसे कि रूबी है, दीपा है, अमन है। ओके तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत भवन कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो भोपाल है। कौन है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मंगूभाई पटेल है। यहाँ पर सबसे स्वच्छ शहर इंदौर भी स्थित है मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप भी स्थित है मध्य प्रदेश में, जो 200 रुपए के नोट पर स्थित है। खजुराहो का मंदिर भी स्थित है यहाँ पर, खजुराहो मंदिर। नर्मदा नदी यहीं से निकली है, अमरकंटक की पहाड़ी से यहीं स्थित है मध्य प्रदेश में, अमरकंटक की पहाड़ी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ग्वालियर भी यहीं मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिलधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। यह अमरकंटक से 607 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ पहला जलप्रपात है। यहाँ नर्मदा नदी एक ऊंची चट्टान से गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय विलास महल कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। यहाँ पर क्या क्या स्थित है? सास बहू का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, मानसिंह पैलेस भी यहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, ग्वालियर का किला भी स्थित है और सिंधिया वंश की यहाँ पर राज करते थे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है, ग्वालियर में स्थित है। ओके और फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं जोबट परियोजना किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा जोबट भारत के मध्य प्रदेश राज्य की अलीपुर जिले में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा कृष्ण नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। फ्रेंड, इससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपको बता दें इस चैनल पर आपको 26 अप्रैल तक एनालिसिस देखने को मिलेगा ऑल चैप्टरों के साथ। ओके फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बात करते हैं मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। भारत के बाघों को भंडार के में से एक भारत के मध्य से स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में कान्हा क्षेत्र की दो अभ्यारण्य में विभाजित किया गया है। हॉलन एवं मंजार के नाम से 250 एवं 300 किलोमीटर दो कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 को बनाया गया था। 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व को बनाया गया था। आज दो जिलों में माटा है, कौन कौन से में? मंडला एवं बालाघाट में। 940 एवं 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। ओके फ्रेंड्स, यह एक तरह का विषाणु है और फ्रेंड इसके बारे में इसका जो नाम है वो HIV है। ओके फ्रेंड, HIV है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। किसे कहा जाती है? लाइसोसोम को कहा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा कोल जनजाति। कौन सी जनजाति है? कोल जनजाति है। और पहले नंबर पर भील। ओके चलिए बात करते हैं फ्रेंड, जैसे कि स्टूडेंटों द्वारा बताया गया था कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से 4 से 5 क्वेश्चन बनना है हर सब्जेक्ट में। आगे बात करते हैं करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन बनना है हर सब्जेक्ट में। और फ्रेंड, बात करते हैं इतिहास से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है हर सब्जेक्ट में। स्टूडेंटों द्वारा जो बताया गया था वो आपके सामने है। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन बनना है हर सब्जेक्ट में फ्रेंड्स, यानी कि भारतीय संविधान। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। राजनीति से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड्स। अंग्रेजी में बात करते हैं तो सिनेम से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है और फ्रेंड पैसेज से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है हर सब्जेक्ट में। आगे बात करते हैं फ्रेंड, मैनेजमेंट लेखा विधि से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उपभोक्ता फोरम के नियम से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और प्रबंध के सिद्धांत से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, बात करते हैं नियोजन से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। साइंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, साइंस में जीव विज्ञान से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और साइंस में जीव विज्ञान में सबसे ज़्यादा विटामिन से क्वेश्चन मिला है, विटामिन का रासायनिक नाम से। भौतिक विज्ञान में फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जैसे कि ओम का नियम, कूलम का नियम, वो यहाँ से क्वेश्चन बनना है। आगे बात करते हैं रसायन विज्ञान में 4 क्वेश्चन देखने को मिला है हर सेट में। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें
इसमें सूत्र पूछा जा रहा है, जैसे नमक का सूत्र, जल का सूत्र, सोडियम का सूत्र, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पर्यावरण से 2% बनना है सब्जेक्ट में, गणित के प्रतिशत से 3% बनना है, और फ्रेंड आपको बता दें गणित एवं रीजनिंग का पोर्शन बढ़ गया है, यानी कि पैसा नंबर के ये दोनों टॉपिक हो चुके हैं, इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाभ हानि से 4 क्वेश्चन बनना है, त्रिकोणमिति से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बात करते हैं फ्रेंड अनुपात, अनुपात से 2 अनुपात से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर बात करते हैं समय एवं कार्य एवं चाल एवं दूरी, यहाँ सब जो मिला के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। औसत से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और बात करते हैं गोले, गोले के फ्रेंड 1 क्वेश्चन आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहा है, यानी कि एडवांस में 2 क्वेश्चन पूरे बन पा रहा है त्रिकोणमिति एवं गोले मिलाकर, और एज से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बात करते हैं फ्रेंड रीजनिंग की, रीजनिंग में सोचने की क्षमता से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सोचने की क्षमता से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं रक्त संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है रीजनिंग में श्रृंखला, श्रृंखला से 6 क्वेश्चन बनना है फ्रेंड, 6 से 7 भी बनना है, जैसे कि ए बी सी आगे क्या है और 1 2 3 आगे कौन सा पद है, ऐसे करके। बात करते हैं फ्रेंड्स कैलेंडर, कैलेंडर से 8 सेट में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बोर्डिंग रिकॉर्डिंग से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 8 सेट में। आगे बात करते हैं दिशा एवं दूरी से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है, और नॉन वर्बल रीजनिंग से 4 क्वेश्चन देखने को मिला है 8 सेट में। आगे बात करते हैं फ्रेंड कंप्यूटर, कंप्यूटर में शॉर्टकट की से 3% देखने को मिल रहा है। एमएस ऑफिस से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एमएस एक्सेल से 2% देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, और एमएस वर्ड से 2% देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स बात करते हैं पावर पॉइंट, पावर पॉइंट से 1% देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं हिंदी, हिंदी से पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए बात करते हैं हिंदी में संधि और समास से, 3% संधि से 3% समास से पूछे जा रहे हैं 8 सेप्टर में। मौर्य और लोकोत्तर से 2% पूछे जा रहे हैं 8 सेप्टर में। आगे बात करते हैं अलंकार से 8 सेप्टर में 2% पूछे जा रहे हैं। विपरीत सार्थक से 2% देखने को मिला है 8 सेप्टर में। तत्पुरुष से भी 2% देखने को मिला है 8 सेप्टर में, क्या तत्पुरुष से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड बर्तनी, बर्तनी से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जैसे कि आपको इसकी जो PDF चाहिए आपको फ्रेंड्स, PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके और जुड़ जाइए टेलीग्राम से, जिससे आपके पास सारी जो PDF हो जाएगी वो PDF पहुँच सके। फ्रेंड्स आपको बता दें आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।